हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने वर्डप्रेस के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे और प्लस उसके अंदर थीम को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, थीम क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट का जो पूरा का पूरा लुक है, लेआउट है, उसके अंदर जो भी डेटा है वो एक मैनेज फॉर्म में होता है, किस तरीके से दिखेगा, ये सारा जो है आपकी थीम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अंदर आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन जो पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर और उसका यूआई वेबसाइट का, ये सब आपकी थीम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसा लेआउट देना है, ठीक है। तो इसलिए थीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम फिलहाल में ये जानेंगे कि हम न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, कैसे जो है उसके अंदर हम डेटा वगैरह ऐड करते हैं और कैसे उसको जो है मैनेज करते हैं। तो इस सीरीज़ को जो है फ्रेंड्स, आप जो है कहीं पे भी आप बुकमार्क करके रख लीजिए, आपके जो है बहुत ज़्यादा काम जो है आने वाला है। वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल के जो सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें तो सीखने को मिलेगी, प्लस में जो है आप इन सभी स्किल्स का यूज़ करके जो है आप सभी मार्केट से बहुत अच्छा जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप जो है अच्छे से इस वीडियो को सीखिए, ट्यूटोरियल को आप देखिए। अगर आप सभी को कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए चलना होगा हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है localhost/phpMyAdmin। आपको जो है पैनल ओपन करना है। जब तक ये पैनल ओपन हो रहा है तब तक जो है फ्रेंड्स, मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको जो है सी ड्राइव में जाना है जहाँ पे आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है। तो ये रहा हमारा ज़ैम्प का कहाँ गया फोल्डर, ये रहा। तो ज़ैम्प फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर जो है आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा htdocs। तो ये रहा htdocs, इसके अंदर आना है। ये रहा हमारा वर्डप्रेस। अब इसको जो है यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ज़ैम्प को कैसे इंस्टॉल करना है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन आपको क्या क्या करना है, उस वीडियो का लिंक जो है फ्रेंड्स आप सभी को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक बार जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा कि जिस आपको जो है फर्स्ट इंस्टॉलेशन में कैसे इसको सेटअप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गया है। यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ ताकि लॉन्ग पाथ मेरे को ना देना पड़े, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए वर्डप्रेस का फोल्डर है। अब इसको जो है आप अपने हिसाब से जो भी रीनेम देना चाहें वहाँ पर दे सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम रीनेम कर दीजिए इसको। तो मैं अपने केस में न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको अपने केस में जो भी नेम है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ हमने वहाँ पे फाइल नेम चेंज किया है। अपने वेब ब्राउज़र में वापस आते हैं phpMyAdmin पैनल में, और आपको एक डेटाबेस जो है क्रिएट करना है। तो डेटाबेस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस आ रहा है। यहाँ पर आप किसी भी नाम से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में न्यूज़ दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ नाम का जो है डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको जो है अपने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो लिखना है आपको localhost/ जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है, मेरे केस में न्यूज़ है तो मैं यहाँ पे न्यूज़ लिख रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस नेम पूछ रहा है। जो अभी अपने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है phpMyAdmin में, यहाँ पर वही नेम देना है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यूज़ दिया था, न्यूज़ दे दिया। यूज़र नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे रूट दे दिया। पासवर्ड आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये सब आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं। रन इंस्टॉलेशन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। इससे जो है ये फ्रेंड्स, ये जो है इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जैसे कि साइट का टाइटल, आपका जो साइट है वेबसाइट है उसका क्या टाइटल आप यहाँ पर देना चाहते हैं। हमारी न्यूज़ से रिलेटेड है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़। यूज़र नेम क्या देना चाहता हूँ तो यूज़र नेम मैं यहाँ पर एडमिन ही रहने देता हूँ, और पासवर्ड भी मैं यहाँ पे एडमिन ही रहने देता हूँ। इसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इस पेज में जितने भी इन्फॉर्मेशन है इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। कंफर्म भी वीक पासवर्ड पे यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ईमेल आईडी में आप कोई भी ईमेल आईडी दे दीजिए और इस ऑप्शन को अनचेक रहने दीजिए। तो इंस्टॉलेशन आपको स्टार्ट कर देना है। इंस्टॉलेशन के बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरे को ये एरर आ गया। अगर आपको ये एरर आता है कोई बात नहीं, आप इसको रिफ़्रेश कर दीजिए तो आपका जो है सेटअप ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बताएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको बस अब आपको लॉगिन करना है। जो आपने यूज़र नेम वहाँ पे डाला था वो आपको यहाँ पे डालना है। हमने डाला था एडमिन, और पासवर्ड हमने क्या डाला था, पासवर्ड भी हमने एडमिन डाला था। तो लॉगिन आपको कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम सब एकदम फ्रेश
डैशबोर्ड में आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के। अभी इसके अंदर कोई भी काम हमने नहीं किया। ये दिखने में थोड़ा सा डरावना है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ से आप अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं, मीडिया देख सकते हैं, पेजेस देख सकते हैं, कॉमेंट्स, अपीरियंस, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आके अगर आप यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी साइट को देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आपको वर्डप्रेस की साइट से ही देखने को मिलती है। तो देखिए ये है वो थीम, इस थीम के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं थीम को कैसे हमें इंस्टॉल करना है। अपीयरेंस में जाना है और आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं आपको कुछ वर्डप्रेस के साथ ही मिल जाती है। आपको जो है क्या करना है, अलग से जो है ऐड करना है। इस पर चाहे तो आप कर सकते हैं अगर बेसिक से इंटरफेस आपको देना है, नहीं तो आप यहां से ऐड कर लीजिए। मेरे को न्यूज़ के लिए करनी है तो यहां पे मैं कलर मैग जो हूं सर्च कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ पोर्टल के लिए सबसे अच्छी थीम लगती है मेरे को ये कलर मैग। इसको जो है यहाँ से देखिए इंस्टॉल में कर देता हूँ। यहीं पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन आएगा और ये पेज आपके पास तब खुलेगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन इनेबल होगा। वर्डप्रेस आपका चलेगा लेकिन थीम आपको इंटरनेट से ही डाउनलोड करनी पड़ती है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट कर दिया, तो देखिए एक्टिवेट हो गया। अब मैं अपने पेज पर आता हूँ और यहाँ पर आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। आप देखना इसका लुक जो है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो हमने नई थीम अप्लाई करी थी उसका लेआउट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यह है, आप अपने हिसाब से जैसा आपके पास पोस्ट होगा, जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से दिखता है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो उसको हम देख लेंगे आगे आने वाले टाइम में कि इसको आपको कैसे मैनेज करना है। तो हम इसी थीम पे जो है वर्क करने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से थीम को डाउनलोड करते हैं तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं वर्डप्रेस की साइट से ही एक थीम को डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको देखिए मैंने फ्रेंड्स डाउनलोड कर लिया है। अब इसको जो है मेरे को इंस्टॉल करना है तो वो भी बता देते हैं। ऑफलाइन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सीधा आपको थीम्स में ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आपके पास जो है देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा अपलोड थीम का, और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप ब्राउज फीचर की हेल्प से थीम का पाथ देके आप थीम सेलेक्ट करके इसको डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इंस्टॉल नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो है ये इंस्टॉलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही सेकेंडों कट में इंस्टॉल हो जाती है। तो देख सकते हैं ये थीम जो है इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आपको इसको एक बार इसको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे थीम पैनल में अपीयरेंस में यहाँ पे आ चुकी है। तो एक इस ये यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट थीम दिखती है, ये इसके साथ थीम आई है अटैच होके। तो हमें टेक स्टार्टअप वाली थी, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। देखिए डिफ़ॉल्ट पे आ गई है अब, क्योंकि अब ये सेट हो गई है, ठीक है, तभी यहाँ पर शो कर रही है। तो चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं साइट पर और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है साइट यहाँ पे रिफ़्रेश होते ही आपको नया लुक देखने को मिलेगा। लोडिंग एनिमेशन आ गया और आपके सामने नया लुक जो है, नया लेआउट आपको देखने को मिल गया। तो देखा फ्रेंड्स आप सभी ने हमने किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, थीम को इंस्टॉल किया। तो इस तरीके से जो है आप अपने वर्डप्रेस के अंदर लोकल होस्ट में आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और प्लस जो है थीम को इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करना है ये जो है आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।